बिग बॉस के घर के अंदर इक्वेशंस बहुत मैटर करती हैं, गणित बहुत मैटर करती है, और ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर की इक्वेशन, घर के अंदर की जो गणित है वो पूरी तरह से शफल हो गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। आप सभी को बता दें कि इस वक्त जो है बिग बॉस के घर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव घर के अंदर कल हमने देखा, जहां एक तरफ प्रियंका और अंकित चढ़ते नजर आए निमृत पर। निमृत ने जब खाना छोड़ दिया, राशन छोड़ दिया, उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि कैसे जब सौंदर्य ने सेम डिसीजन लिया तो उस पर ज्यादा कोई भड़का नहीं, उससे सबने आराम आराम से बात कर ली। लेकिन अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि निमृत ने इस भेदभाव को देखने के बाद, इस दोगलेपन को देखने के बाद, सभी लोगों के घर वालों के इस दोगलेपन को देखकर निमृत ने फैसला ले लिया है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, अब मैं अपनी पार्टी बदल लूंगी, अब डायनामिक्स में चेंज कर दूंगी। तो निमृत इस गेम की गेम चेंजर बन गई है। जी, सबसे पहले तो मैं चलिए आपको प्रोमो दिखा देती हूं कि आखिर किस तरीके से घर के अंदर बवाल मच गया है, और गौतम, सौंदर्य, टीना और शालीन ये सभी अब निमृत के अगेंस्ट आ चुके हैं और निमृत की लॉयल्टी पर सवाल उठा रहे हैं। निमृत सिटिंग विद देम, इट इज बाय चॉइस। ये देखिए, इफ निमृत सिटिंग विद देम, इट इज बाय चॉइस। द मुद्दा ये है कि परसों आपको ऐसा लग रहा है बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, कल क्या था? In terms of the dynamics, things have changed. बहुत अलग गणित चल रहा है अभी। वो पहले से प्लान था गौतम के लिए, मेरे लिए ये प्लान है शालीन, मान लो आप मेरी बात। Now Gautam and Shah are talking, and obviously because Gautam is not speaking to me, so they have not. We are not talking to each other. चार पांच दिन से उसने रोके मुझे ये बात बोली है, मैंने लोनली रातें और टाइम बिताया है उसके साथ, मुझे मेरी लॉयल्टी प्रूव करनी है शिव को, उसने मुझे बात सुनाई है अगर टेबल पे सबके सामने। अगर ये बैकफायर कर गया तो मुझे इनके पास जाना है। अब उसको लग रहा है वो एक्सपोज हो गई है इस चीज में। He needs to apologize first. I hope he has the brain too. नहीं है तो उसका लॉस, नॉट माइन। ओके, देखिए, इफ निमृत सिटिंग विद देम, इट इज बाय चॉइस। निमृत सिटिंग बाय देम इज बाय चॉइस, यानी कि निमृत ने ये पूरी तरह से खुद से ये फैसला लिया है, और निमृत का ये जो फैसला है ये बिग बॉस को भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस को तो उनका कंटेंट मिलेगा, लेकिन गौतम को भारी पड़ सकता है। देखिए, गौतम कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी डेंजर जोन में है। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा अगर किसी के निकलने के चांसेस हैं तो वो गौतम सिंह के हैं। सो डेफिनेटली फैंस को निमृत का ये जो चेंज ऑफ ग्रुप है ये बहुत ही पसंद आ रहा है। फैंस ने निमृत के इस फैसले पर तो अपनी तरफ से थम्सअप दिखा दिया है। अब आपको इस पर क्या है कहना, बताइएगा ज़रूर हमें कॉमेंट सेक्शन में।